हे यू कैन से एक टर्टल मिला है, और ये भी घर में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा था वहाँ से मिला है ये टर्टल हमें, और इसको मैं इसके ओरिजिनल जो घर है वहीं पर ही छोड़ कर आऊँगा, क्योंकि हमारे घर के आसपास एक नहर है तो मैं उसको वहीं छोड़। सो आप देख सकते हैं ये इंडियन ब्रीड है, इसको फ्लैगशिप टर्टल बोला जाता है, और काफ़ी सुंदर लग रहा है ये देखने में। इसको मैं इसके हैबिटेट में ही छोड़ के आऊँगा। आप देख सकते हैं ये इसने गड्ढा खोदना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये गर्मियों के टाइम पे बिल्कुल ज़मीन के अंदर चले जाते हैं, और अभी जैसे कंस्ट्रक्शन काम चल रहा था तो ये ज़मीन के अंदर से ही निकला है, बट मैं इसको अच्छे घर पर छोड़ के आऊँगा, इसके मैं प्रॉमिस करता हूँ। इसके साथ उड़ने जा रहे हैं, रास्ते में है, मैं अपने भाई के साथ हूँ। ये घर पे निकला है, इनके एक इन्हीं घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और अभी हम जा रहे हैं इसको छोड़ने इसके घर पे, जो जहाँ पे ये अच्छे से अपने लाइफ को स्पेंड कर सकता है। ये देखिए अभी ये है, और इसने पूरा मुँह अभी अंदर कर रखा है अपना, ऐसे स्टील की बाल्टी में लेके जा रहे हैं हम इसको, सो दैट इसको हार्म भी ना हो, हम ज़्यादा इसको हाथ में भी नहीं पकड़ रहे हैं कि कभी ज़्यादा डर ना जाए। सो गाइज़ हम आ चुके हैं लोकेशन पे, ये है लोकेशन जहाँ हम इस टर्टल को ड्रॉप करने वाले हैं, और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा रहेगा इसके लिए हैबिटेट, हम यहाँ से इसको ड्रॉप आउट करेंगे सो दैट ये अपनी लाइफ को अच्छे से इन्जॉय कर पाए, और एक बड़े स्पेस पे अच्छे से लाइफ को अपने इन्जॉय कर पाए। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमने ये सही किया कि नहीं, और चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि कैसा है ये छोटा भाई है जिसके घर से निकला है, और आप देख सकते हो अभी इसमें है टर्टल, और अभी हम इसको इस पानी में छोड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसको छोड़ दिया है, और ये गया टर्टल सीधा पानी में। बाय बाय टर्टल, वापस एक बार टर्टल दोबारा दिखाई दिया, आप देख सकते हो, और वो चला गया वापस पानी के अंदर, और कंग्रेचुलेशंस न्यू होम के लिए, ये हमारे टर्टल का नया होम।